तो इस वक्त अहम खबर आ रही है, ब्रिटेन के स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने की वजह से अब देखिए जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एबीसी न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया। ब्रिटेन में हवाई के साथ रेल मेट्रो सेवा भी बाधित है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये आप देख रहे हैं स्काई न्यूज जो है वो इस वक्त उसका प्रसारण पूरी तरीके से बाधित है। कई देशों की बैंक सेवाएं भी प्रभावित हैं। विमान सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि जो विमान जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रह गया है। वहीं जो हवा में विमान है उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का एबीसी न्यूज चैनल पर प्रसारण बंद हो गया है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से अब तमाम सेक्टर्स पर उसका असर दिखने लगा है। सर्वर में खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी सामने आ गया है। सर्वर में सुधार की कोशिशें जारी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सर्वर में सुधार की कोशिशें जारी हैं, सेवाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि कब तक ये सुधार होगा इसकी अभी कोई टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन साफ तौर पर सर्वर में खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान सामने आया है। सर्वर में सुधार की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से आप देखिए तमाम सेक्टर्स प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि धीरे धीरे हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वर में खराबी की वजह से विमान सेवाएं, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में पूरी तरीके से परेशानी आ रही है। दुनिया भर में हवाई सेवाएं बाधित नजर आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी नजर आ रही हैं। तो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है।